आप देख रहे हैं TNB। दिल्ली में अभी भी कोरोना महामारी की मार जारी है। लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं। हॉस्पिटल में जगह नहीं है कि पेशेंट को एडमिट किया जा सके। हालात बेहद खराब है। ऐसे में सिख समुदाय की ओर से कई प्रकार की सुविधाओं को शुरू किया जा रहा है, जिसमें आज से 400 अतिरिक्त बेड की सुविधा शुरू हो गई है। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज से 400 बेड वाला गुरु तेग बहादुर कोविड केयर सेंटर शुरू होने वाला है। शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि सेंटर के अंदर हर तरह की सुविधाएं हैं। यह सेंटर दिल्ली सरकार के सहयोग के साथ चलेगा। आपको बता दें कि यूनाइटेड किंगडम से 3 ऑक्सीजन जनरेटर और 1000 वेंटिलेटर दिल्ली पहुंच गया है। हर जनरेटर की एक मिनट में 500 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन करने की क्षमता है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार अब शादियां केवल घर या अदालत में ही हो सकती हैं और इसमें 20 से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते। इसमें कहा गया है कि इस दौरान सार्वजनिक स्थानों, बैंक्वेट हॉल, होटलों और ऐसे ही अन्य स्थानों पर शादियां समारोह पर पूरी पाबंदी रहेगी। केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हालांकि कोविड-19 के मामलों में कमी आई है, लेकिन महामारी की मौजूदा लहर में किसी भी प्रकार की ढिलाई अब तक हासिल की गई कामयाबी को ख़त्म कर देगी। इस वजह से हर इंसान अपने स्तर पर कोशिश कर रहा है कि इस सिचुएशन को काबू किया जा सके, जैसे जितना हो रहा इस वक्त मदद कर रहा, चाहे वो नेता हो, चाहे बॉलीवुड स्टार हो, चाहे सोशल वर्कर हो, मेडिकल स्टाफ हो, पुलिस हो या ऑर्डिनरी आदमी हो, हर इंसान इस वक्त इस महामारी से जूझ रहा, लेकिन वक्त पर एक दूसरे की तरफ मदद का हाथ भी बढ़ा रहा। जैसे सब मिलकर इस वक्त इस महामारी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता है वो वक्त दूर नहीं जब सब कुछ वापस सही हो जाएगा। तब तक के लिए अपने आप का ख्याल रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।